वेलकम टू बॉलीगर्ल। इन द रिसेंट हमने देखा है कि बॉलीवुड की ज्यादातर रिमेक्स फ्लॉप रही हैं एंड ऑडियंस भी इस चीज से डिसअपॉइंट रहती है कि बॉलीवुड हैव नो ओरिजिनल कंटेंट, बस वो रीमेक ही बनाता है। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड को अपने रिमेक्स की वजह से काफी क्रिटिसाइज भी होना पड़ रहा है, बट हमने ऑलरेडी बॉलीवुड की ऐसी रिमेक्स देखी है जिसे ह्यूज सक्सेस मिली है और ऐसा होने का सिर्फ एक कॉज है एंड दैट इज राइट एग्जीक्यूशन। However, we think that कि आज बॉलीवुड रिमेक्स को सही एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाती है जो ऑडियंस को डिसअपॉइंट करती है। Anyway, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी बॉलीवुड रिमेक्स के बारे में बताएंगे जो ऑडियंस की मोर एप्रिशिएटिव रही है। As always, this is going to be an interesting video. So, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये रुआब कैसे बना आपका दादू? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, तभी किस्मत नहीं सुनेगी। मौका सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। नंबर 1, कबीर सिंह। नो डाउट कबीर सिंह एक साउथ रिमेक थी जिसके ओरिजिनल मूवी को सभी ने देखा है, बट दैट वॉज एन रिमेक जिसे यूथ ने अपने आप को सिग्निफिकेंटली कनेक्ट किया था, बिकॉज मॉडर्न एरा में यूथ अपने लव में कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करना चाहता है। एक राइट एग्जीक्यूशन के साथ इस मूवी को बॉलीवुड ऑडियंस में प्रेजेंट किया गया था, जिसको ऑडियंस ने ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स भी दिया था। मूवी पैसिनेटिव लव को बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करती है, जिसको आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। शाहिद कपूर के ऑथेंटिक परफॉर्मेंस ने मूवी को मोर एप्रिशिएटिव बनाया था एंड ये ऑल टाइम सक्सेसफुल मूवी है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू कबीर सिंह? डू लेट अस नो इन द कमेंट। ओए इसने टच किया उसको। क्या हुआ वो? तुम वहीं रुक साले में यार। नंबर 2, विक्रम वेदा। रिसेंट में आई फिल्म विक्रम वेदा इज अ रिमेक ऑफ साउथ फिल्म। ऐसे ज्यादातर ऑडियंस हैं जिन्होंने ओरिजिनल विक्रम वेदा को पहले भी देखा होगा, बट रियली में हम अगर इसके रिमेक की बात करते हैं सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस इन द थिएटर्स। मूवी की स्टोरी लाइन एंड सिनेमाटोग्राफी वॉज सो अमेजिंग, जिसके एग्जीक्यूशन ने हम सभी को काफी इम्प्रेस किया। मूवी का प्लस पॉइंट रहा है कि इसके सेम डायरेक्टर एंड राइटर थे जिन्होंने अपने पुराने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया। हमें ऐसा लगता है किसी भी रिमेक मूवी को एक राइट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, जो कि विक्रम वेदा को दिया गया है। एंड रही बात एक्टर्स की, तो सभी ने अपना काम परफेक्टली किया है, सो आई थिंक रिमेक शुड बी लाइक दिस। ये रुआब कैसे बना आपका दादू? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना, तभी किस्मत नहीं सुनेगी। मौका सिर्फ आता नहीं है, छीना भी जाता है। नंबर 3, दृश्यम। इट इज द रिमेक ऑफ मलयालम फिल्म विद सेम नेम दृश्यम। अगर आप सभी ने इस मूवी को देखा है सो यू नो दैट कि ये कितनी डीपेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म रही है। मूवी के रिलीजिंग टाइम पर बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि ये एक रिमेक फिल्म है, जिसका फायदा मूवी को भी हुआ था, बट अपने राइट एग्जीक्यूशन की वजह से ये बॉलीवुड ऑडियंस में काफी पॉपुलर हुई थी। द क्लाइमेक्स ऑफ मूवी जिसने सभी को सस्पेंस दिया था एंड मे बी रिसेंट में ही दृश्यम 2 का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है, बट वी हाईली रिकमेंड कि आप दृश्यम पार्ट 1 देखने के बाद ही दृश्यम 2 के बारे में सोचें एंड दिस इज गुड टाइम टू वॉच इट बिकॉज अभी दृश्यम 2 रिलीज होने में टाइम है। मुक्का इकलौता बेटा 3 हफ्तों से मिसिंग है। 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? नहीं तो पंजी में स्वामी। नंबर 4, राउडी राठौर। इन 2012 दैट वाज टाइम पीरियड जब बहुत कम लोगों को ही ये पता था कि ये मूवी एक रिमेक है या नहीं। मूवी राउडी राठौर को जब थिएटर्स में रिलीज किया गया सो इट गॉट ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम, जबकि ये एक टॉलीवुड की रिमेक फिल्म थी। मूवी के हर एक सीन को कॉपी किया गया था, बट इसके राइट एग्जीक्यूशन की वजह से हम सभी ने इस मूवी को काफी पसंद किया था एंड इट वॉज हिट ऑन द बॉक्स ऑफिस। मूवी के डायलॉग्स उस समय काफी पॉपुलर हुए थे एंड आई थिंक हम आज भी उन डायलॉग्स को नहीं भूल पाए, जिसको अक्षय कुमार सर ने और भी ज्यादा एप्रिशिएटिव बनाया था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राउडी राठौर? डू लेट अस नो इन द कमेंट। Hey! Don't angry me. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं definitely करता हूँ। नंबर 5, वांटेड। वांटेड वॉज एन रिमेक ऑफ 2006 तेलुगु फिल्म पोकिरी, जो कि बॉक्स ऑफिस हिट रही थी। सलमान खान हमेशा कहते हैं कि जब उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था तब बॉनी कपूर की फिल्म वांटेड ने ही उन्हें इंडस्ट्री में रिवाइव किया था। दैट वॉज द टाइम जब उसके बाद ही सलमान खान को एक एक्शन हीरो के रूप में देखा जाने लगा। मूवी के अच्छे डायरेक्शन एग्जीक्यूशन की वजह से ये बिग हिट हो पाई थी। मूवी को 35 करोड़ के कॉस्ट पर बनाया गया था एंड इट अर्न 95 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। मूवी के सॉन्ग्स एंड सलमान खान का फैशन सेंस बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसको ज्यादातर ऑडियंस ने अडेप्ट भी किया था। दैट वॉज परफेक्ट रिमेक मूवी। नंबर 6,
हेरा फेरी। हेरा फेरी वॉज अ कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसको हम सभी ने काफी इंजॉय किया है। आई थिंक बहुत कम लोग ये बात जानते हैं दैट वॉज द रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग वॉज रिलीज इन 1989। मूवी की ऑथेंटिक परफॉर्मेंस एंड राइट एग्जीक्यूशन की वजह से मूवी काफी पॉपुलर हुई थी एंड शायद आज भी हम इस मूवी को नहीं भूल पाए। देयर वाज टाइम जब अक्षय कुमार ने अपने करियर में बैक टू बैक 16 फ्लॉप मूवीज दी थी। उसके बाद उन्होंने हेरा फेरी को साइन किया था जिसके बाद से अक्षय कुमार को एक नया जोन मिल गया। आफ्टर दैट अक्षय कुमार ने अपनी ज्यादातर मूवीज कॉमेडी ही की थी एंड हेरा फेरी अक्षय सर के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी रहा विच इज अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास, 50 लाख चाहिए। नंबर 7, भूल भुलैया। आज शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने भूल भुलैया ना देखी हो। आज भी इस मूवी के सीन ज्यादातर ऑडियंस को याद है बट लेट अस टेल यू कि ये एक रिमेक थी मलयालम फिल्म की विच वॉज रिलीज इन 1993। मूवी का प्लॉट मूवी के ज्यादातर सीन्स पूरी तरह से कॉपीड थे बट इसी बेस्ड पर मूवी भूल भुलैया को बॉलीवुड स्टाइल में प्रेजेंट किया गया था जिसको बॉलीवुड ऑडियंस ने ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स भी दिया था एंड आई थिंक ऐसा इसलिए हो पाया था बिकॉज मूवी का एग्जीक्यूशन परफेक्ट था। कौन है ये भिखारी? भिखारी? तो चलिए दैट्स रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद इट्स बॉलीगर जहां आपको एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा से रिलेटेड चीजें मिलती रहेंगी। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी इनमें से सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही है। डू लेट अस नो इन द कमेंट विद इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर विच यू वॉन्ट। बाय बाय।